हेलो, गुड मॉर्निंग। कावे बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कावे बोल रही है, मैं फ़ोन देख रही हूँ, इसने अर्पित का फ़ोन पकड़ा हुआ है। तो गाइस बस सुबह का दिन चढ़ गया, बच्चे चले गए स्कूल, चले नहीं गए वो तो आने वाले भी होंगे क्योंकि 1-1.5 घंटे में उनका पेपर ख़त्म हो जाएगा। और बस मैंने अभी थोड़ा सा काम वाम किया घर का, और अभी करना है काम, है ना काव्य? तो काव्य रो रही थी तो इसको चुप करवा रही थी। इसका क्या है, कभी रोती है कभी कुछ करती है। जैसे ही बच्चे स्कूल जाने लगे ये उठ के बैठ गई, और तब से लेके अब तक ये रो रही थी। एक क्या किया? कुछ भी नहीं किया पेपर में। तो वही तो कह रही, क्या किया? तो कह रही कुछ भी नहीं। अब वो पेपर बताओ जल्दी। 15 तारीख को होना था पेपर मेरा। क्यों होना था? डेट शीट तो कल की, आज की है। नहीं आज की है ना, मैम मेरी पोस्टमार्क की, आज के बच्चे ने ना इतने मेरे तो मैम ने इसका हो गया, इसका हुआ है बताओ। पेपर गलत मैम ने लिया होगा। नहीं आया, क्या क्या था? की 6 भी की पूरी की है, वो भी छोड़ाई है। और क्वेश्चन क्या क्या आया था? तितली वाला आया था। और वो जो मिनी, तू सच में दार भी दे होल। यार नहीं है, मैंने बोला ना नहीं, कल लूंगा मेरा। अरे बेवकूफ नहीं बना, डेट शीट आज दी। बैग देख ले, जाओ बैग को क्या करना, मैंने उधर करके ही नहीं आया था कुछ। मैंने तो ये बताऊं वो आज पेपर में जो जो भी आपने कराया ना उससे कुछ भी नहीं आया। और सच्ची फिर क्या है? डेढ़ शीट क्या भैया, क्या करनी उतार के? कौन सी ले रही है? दे दोनों दे, थोड़ी सी ले ले मच्छी, दोनों दे। अभी इधर भी है बेबी का। चल ठीक है, मैं कपड़े तैयार ला लूं फिर। तो गाइस अभी बना रही हूँ भिंडियाँ, और साथ में बनेगी गर्मा गर्म मैक्रोनी। तो अभी सारा काम करना है, मैंने अभी कोई काम नहीं किया हुआ, सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो बच्चे अंदर हैं। हाँ जी, बस 5 मिनट दे दे मुझे बस। तो बस बच्चों को लग रही भूख, फटाफट बना देती हूँ। आज काव्य नहीं ना रोती तो मैं कुछ ना कुछ बना कर रख देती, लेकिन वो बहुत रोई है, उसको पकड़ने वाला भी कोई नहीं था घर पर। तो बस क्योंकि काम नहीं करने देती, जब वो ज़िद्द करती है ना तो फिर कोई काम नहीं करने देती। तो गैस एक तरफ मैं बना रही हूँ भिंडी, मैं धो के रखी है, अभी मैं काट रही हूँ। तो एक तरफ रेडी हो रहा है मेरा पास्ते का सामान, मैंने तेल रख दिया वो, बस इसको पास्ते को बनाऊँगी पहले भिंडी, तब तक जब तक पास्ता बनेगा तब तक मैं भिंडियाँ काट लूँगी और बना दूँगी रोटी। बच्चों को ज़्यादा भूख लग रही है, अगर कावे नहीं रो रही होती ना तो मैंने खाना कब से बना लेना था। मैं पहले खाने को ही प्रेफरेंस देती हूँ, काम बाद में भी होता रहता है, पहले खाना बना लो, खाना खा के काम हो सकता है ऐसे ही। तो बस अभी ये काट के, और जब तक मेरा तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं ये भिंडियाँ काट लूँगी, पहले खाना बना के खा के फिर उसके बाद काम करूँगी। मैंने नाश्ता कर लिया हुआ, बच्चों ने करना है अभी, उनको लगी है भूख। वो सुबह एक डबल रोटी का पीस, एक एक ब्रेड ही खा के गए थे, ब्राउन ब्रेड एक स्लाइस खाया उन्होंने, ज़्यादा नहीं कुछ भी खाया, तो उनको लग रही भूख। तो बस गए, कल हम गए थे माता जी के मंदिर और दरगाह गए थे, वहाँ घूमने का बड़ा मज़ा आया। और जाना था जू, मांडा जू जाना था वहाँ पे, लेकिन गेट बंद हो गया था जा नहीं पाए। ठीक है, जहाँ बुलावा हो वही जा सकते हो ना, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकते। घर से निकली थी मांडा जू जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे 5 बजे गेट बंद हो जाता शाम को, तो वहाँ पहुँचे नहीं। तो माता रानी ने बुलाया था, तो जिस जिसकी वो कहते हैं ना, जिसने बुलावा दिया भेजा होगा उसी की जगह पे गए थे। तो बस वो चाहते थे कि हम वहाँ पहुँचे, क्योंकि बिना बुलाए कोई नहीं कहीं पर भी पहुँच सकता, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे कहीं पर भी, चाहे कोई माता का मंदिर हो, चाहे किसी कोई और जगह भी हो, जब तक ऊपर वाले का बुलावा ना हो हम नहीं जा सकते। तो बस अभी करती हूँ काम, बच्चों
डालने नहीं, खुद डाल गाइस। मैंने इसमें पास्ते में पहले डाला जीरा, उसके बाद छोटे छोटे प्याज काट के डाला है, टमाटर डाला है, नमक और मिर्ची, हल्दी नहीं डाली इसमें, सिंपल ही एक वही देसी पास्ता ही बना रही हूँ मैं। और सॉस जो है काका बाद में डालते हैं ना, थोड़ा सा डाल दो पहले, उसके बाद भी सॉस खाने में मज़ा आता है। और अभी बनाऊँगी इसके साथ चाय, बच्चे चाय पीने उन्हें, ठीक है? तो बस अर्पित पिएगा चाय, अर्पित पीनी चाय, तो यही काम कर रहा है वो, डाल रहा सॉस अपने पास्ते में। अर्पित की कड़छी है हिल रही, मैं कर लूँगी। हाँ अच्छी तरह से हिला, नीचे नहीं लगना चाहिए। अर्पित कह रहा हम चैलेंज वीडियो बनाएंगे, तो कौन सी चैलेंज बनानी है बताना। गोलगप्पा चैलेंज ये अपना फेस नहीं करेगा, कह रहा गोलगप्पा का चैलेंज, ये खुद गोलगप्पा है, तो मैं लाऊंगी किसी दिन, देखती हूँ कब लाती हूँ गोलगप्पे लाऊंगी। अर्पित खाएगा कौन? देखो खाने के लिए दोनों है, हम नहीं खा सकते, मैं और पापा करेंगे ना चैलेंज। नहीं मैं करूंगा। तो ठीक है गाइस, अर्पित और धरा करेंगे गोलगप्पा चैलेंज, ठीक है? सारे नहीं करेंगे, पहले आप दोनों का चैलेंज होगा, उसके बाद हमारा होगा, ठीक है? बस अब कर दो बंद, हमारा पास्ता हो गया रेडी, बिल्कुल सिंपल देसी स्टाइल से पास्ता बनता है, जैसे प्याज टमाटर तो जाने जाने सिंपल से ही बनाते। तो गाइस ये देखिए यम्मी यम्मी सा पास्ता हो गया रेडी। और कितने लेनी सॉस लेनी इसके साथ? हाँ। इसके साथ खाओ सॉस, और वैसे भी बड़ा टेस्ट आता है इसके साथ। फिर मैं बनाऊंगी चाय अपनी, तो धरा को देती हूँ डाल के। अभी धरा आ जा, धरा आ जा बच्चे, अब टर्न है धरा की। बच्चे ना ऐसी चीज़ें जितनी भी खिला लो ना खुश रहते हैं। भिंडी का नाम लिया ना, भिंडी का नाम सुन के इनका मुंह चढ़ गया। टमाटो सॉस ओरिजिनल लाया, अरे आवाज कम करना बच्चे थोड़ी सी। तो गाइस धरा को भी दे दिया मैंने, अब एक बार ना कमरे को ध्यान से देखना, ये सारा मुझे सेटिंग करनी है अभी। ये काव्या के काम है कुछ, और कुछ बाकी वालों के काम है, तो मेरे लिए पड़ता है ये सारा काम, और मुझे ये अकेले समेटना पड़ेगा। बरांडे से झाड़ू पोछा लगा दिया था मैंने, बस अब अंदर का रहता है, और थोड़ा बहुत किचन का करना है। पहले बच्चे खा लेते हैं, उसके बाद देखना खा के नमक ठीक है काका, टेस्ट कर ठीक है नमक। और फिर कह रहा ठीक है नमक, और हेलो लिंगा सुनो मेरी बात। तो गाइस हेलो करो गाइस को, हेलो गाइस। खाना खाया काव्या? बोलो हमने खाना खा लिया, हमने खाना खा लिया। भैया सो गया, भैया सो तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, टिल देन गुड नाइट। करो गुड नाइट सारे, गुड नाइट जोर से काव्या, गुड नाइट बाय बाय। क्या कुकड़ू कुकड़ू क्यों कर रही है, हैं तूने फाड़ा क्यों, दस के फाड़े ने क्यों फाड़ा इसको, चुच्चू क्यों फाड़ा? मछली, चल बाकी वाले दे रख दे, अब फाड़े ना मैं मारूंगी पिटाई कर दूंगी तेरी, ठीक है? ऐसे मैं नहीं ला के दूं। क्या हो रहा बच्चे? ऐसे नहीं लेटना, ठंड लगेगी। फिर मैट क्यों उठाया तूने, मैट क्यों उठाया? आपने को लिए क्या 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 किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये केड़ी तेन तेन ना, बस खत्म हो गई पढ़ाई तेरी, थक गई तेरी। भागना
बड़ा इन्ना इन्ना गै लगना इधर भी उन्हें दो तीन करने होने ना पिछे आओ बच्चे इन्हें सारे काम करना चलो दरा बेचारी नहाना रही है दरा ओ आखा दे उपरा लिया साढ़े को खाना पीना कुछ चाह चू बनाई था गर्मी है बाहर कैंची कुन्नर रखी थे हुन हेलो हाँ सीधे चलो फुटपाथ के बनाने हे आहो इयां ही आखा ओ इयो निशान लगे कि इक्को ले रखने हैं अंदर सुरमा दस्सिया कि लाइनर अपना सारा ही एह लाइनर पाए दा काका कहाँ जा रहे हो नीचे भी बंदी बनाएंगे मल्ले में बंदी मंकी नहीं राजू पास जा चलो आ इधर दोनों चलो इधर कहाँ डालू इधर डाल चलो खाओ इधर सड़क नहीं साइड ऊपर पाना बच्चे थोड़ा पीछे हो जाए मुंह चढ़ना ही नहीं तेरा उसी उधर रेलो मुंह दिखा जरा कुत्ते खाना है खाना ये तो ही आपने रोटी खाई है नहीं उन्हें उनकी बारी अच्छा पाल शाबाश काव्या आपने खाना है डालना उसको हैं ये मैं पता ओदा मूड नहीं है मतलब वो रज्जे दा अज्ज इसी खा पिछो राजू दंद बड़े चिट्टे लगा दे ना अज्ज है नी राजू ब्रश कीते दा अज्ज चल खाई ले हुन जरा पिछो जा थोड़ी अब खाएगा आराम पापा जी उसे कैसे हो सकता है ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਰਗਾ ਕਾਵੇ ਹੈਂਡੂ ਪਕੜ ਦਿੱਤੀਗਾ ਹੱਥ ਫੜ ਦਰੂ ਹੈਲੋ ਲਿੰਗਾ ਲਿੰਗਾ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹੈਲੋ ਕਰੋ ਗਾਇਸ ਕੋ हेलो गाइस खाना खाया काव्या बोलो हमने खाना खा लिया हमने खाना खा लिया भैया सो गया भैया सो गुड नाइट तो ठीक है गाइस मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में टिल देन गुड नाइट करो गुड नाइट सारे गुड नाइट जोर से काव्या गुड नाइट बाय बाय